Hello friends, welcome to our channel Current Affair Updated. This is Devashish Awasthi. As we are continuing with our polity lecture series, this is lecture number 26th. तो हमने अपना फंडामेंटल राइट्स का टॉपिक कंप्लीट कर रहे थे, जिसमें ये उसका फोर्थ वीडियो है फंडामेंटल राइट का. ठीक है, एक और वीडियो आएगा फंडामेंटल राइट का, उसका पूरा फंडामेंटल राइट का चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस फ्रॉम आर्टिकल 25 से लेके हम आर्टिकल 30 तक डिस्कस कर लेंगे आज. मतलब दो फंडामेंटल राइट आज क्लियर कर लेंगे. पिछले वीडियो में वी हैव डन 3 फंडामेंटल राइट्स. जो आज फोर्थ डिस्कशन स्टार्ट करेंगे वो है फ्रीडम ऑफ रिलीजन. तो देखिए, फ्रीडम ऑफ रिलीजन से स्टार्ट करते हैं. इसमें कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 25 to 28. ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये फ्रीडम ऑफ रिलीजन इंडियन सिटीजंस को भी है प्लस फॉरनर्स को भी है, तो दोनों को ये राइट है फंडामेंटल. ठीक है, लेट स्टार्ट विद द फर्स्ट आर्टिकल. तो पहला आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 25. व्हाट आर्टिकल नंबर 25 सेज? फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड फ्री प्रोफेशन. ध्यान रखना, कंसाइंस मैंने वर्ड यूज किया है एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन. ठीक है, अब इसका मतलब क्या होता है? मैंने इस पूरे आर्टिकल को 4 पार्ट में डिवाइड कर लिया है, ए बी सी एंड डी. व्हाट इज ए? ए कंसिस्ट ऑफ कंसाइंस, बी इज फॉर प्रोफेशन, सी इज फॉर प्रैक्टिस एंड डी इज फॉर प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन. तो लेट्स गो वन बाय वन. फर्स्ट है ए, दैट इज क्या लिखा है? फ्रीडम ऑफ कंसाइंस. इसका मतलब होता है इनर फ्रीडम. आप अंदर से भगवान का रिलेशन आपका और गॉड का कैसा भी हो सकता है. ठीक है, कहने का मतलब क्या है? ये इनर फ्रीडम है. आपका रिलेशन गॉड के साथ, इट वुड बी टोटली फ्रीडम. मतलब आपका कैसा रिलेशन हो सकता है? इनर फ्रीडम ऑफ एन इंडिविजुअल टू मोल्ड हिज रिलेशन विथ गॉड. तो गॉड के साथ आपका इनर रिलेशन वुड बी, इट डिपेंड्स अपॉन यू ओनली कि आपका रिलेशन कैसा है भगवान के साथ. ठीक है, सेकेंड बी, दैट इज क्या लिखे? फ्री प्रोफेशन. प्रोफेशन का मतलब यहां पर क्या है? इसका मतलब आपकी जो रिलीजियस बिलीफ है और फेथ है वो आप ओपनली और फ्रीली क्या कर सकते हो? प्रोफेस कर सकते हो. तो ध्यान रखना, रिलीजियस बिलीफ और फेथ. फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आपने सुना होगा, सिख जो होते हैं वो वीरिंग कृपांस साइड में रखते हैं, तो देख ये उनकी क्या है? उनकी ये बिलीफ हो सकती है या फेथ हो सकता है. तो रिमेंबर, फ्री प्रोफेशन का मतलब क्या होता है? थर्ड इज सी, दैट इज प्रैक्टिस. ठीक है, इसका मतलब क्या है? आप कोई भी रिलीजियस प्रैक्टिस, जो भी आपके हैं रिचुअल्स हैं, वर्शिप है, आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हो, उसमें आपको फ्रीडम है. ठीक है, नेक्स्ट जो है डी, दैट इज प्रोपोगेट. मतलब आप इस रिलीजियस प्रैक्टिस को प्रोपोगेट भी कर सकते हो, मतलब दूसरों को भी ट्रांसमिट कर सकते हो. अपनी रिलीजियस बिलीफ आप अदर्स को भी ट्रांसमिट कर सकते हो. ध्यान रखना, इसका मतलब क्या होता है? प्रोपोगेट. तो इन चारों का आपको फ्रीडम है, दैट इज कंसाइंस, प्रोफेशन, थर्ड इज प्रैक्टिस एंड फोर्थ इज प्रोपोगेट. तो आपके पास इन सब चीजों का क्या है? फ्रीडम है. रिमेंबर, एक मैंने नोट करके पॉइंट लिखा है, कभी कभी एग्जाम से पूछा जाता है. हिंदू के अंदर ध्यान रखना, सिक्स जैन्स एंड बुद्धिस्ट, ये हिंदुज्म के अंदर आते हैं. ठीक है, इसमें कंफ्यूज होते हैं लोग, ध्यान में ये हिंदुज्म के ही अंदर आते हैं. लेट्स गो विद नेक्स्ट आर्टिकल, आर्टिकल नंबर 26. व्हाट आर्टिकल नंबर 26 इज? फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स. ठीक है, क्या फ्रीडम आपको? टू मैनेज योर रिलीजियस अफेयर्स. इसमें क्या आता है? इट मीन्स राइट टू एस्टैब्लिश एंड मेंटेन इंस्टीट्यूशंस फॉर रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पस. ठीक है, मतलब आपके पास फ्रीडम है, आप किसी भी तरीके से अपने रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को क्या कर सकते हैं? मैनेज कर सकते हैं. ठीक है, और चैरिटेबल पर्पस वाले जो होते हैं उनको आप इजिली मेंटेन और क्या कर सकते हैं? ध्यान रखें, एस्टैब्लिश कर सकते हैं, उसमें आपका राइट है आपके पास. सेकेंड, व्हाट इट सेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, राइट टू मैनेज इट्स ओन अफेयर्स इन मैटर ऑफ रिलीजन. ठीक है, इसमें स्टेट का कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा, आप अपने रिलीजन को किसी भी तरीके से मैनेज कर सकते हैं. सेकेंड, ये फ्रीडम टू मैनेज अपन को राइट देता है. थर्ड, अब देखिए, आप कोई ना, अब दो टाइप की प्रॉपर्टी होती है, ध्यान रखिए, मूवेबल प्रॉपर्टी और इमूवेबल प्रॉपर्टी. मूवेबल मतलब जो मूव कर सकती है, जैसे कि मूव हो सकती है व्हीकल, जो मैंने लिखा भी है, व्हीकल्स, व्हीकल गाड़ियां, कंप्यूटर, जिसको आप आराम से उठा के ले जा सकते हो. इमूवेबल क्या होती हैं? जो मूव नहीं कर सकती, जैसे बिल्डिंग. ठीक है, कोई बिल्डिंग मूव कर सकती है? नहीं. कोई घर, कोई फैक्ट्री? नहीं. तो ध्यान रखना, उसे कहते हैं मूवेबल प्रॉपर्टी. ठीक है, तो इसमें क्या है? राइट टू ओन, आप कोई भी ओन कर सकते हो, एक्वायर कर सकते हो मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी. ठीक है, तो इसमें आपके पास राइट है रिलीजियस अफेयर्स में. और जो अगला पॉइंट है, इन्हीं जो आपने एक्वायर की है, ठीक है, भगवान का कोई मंदिर या कुछ भी आपने एक्वायर किया है, तो राइट टू एडमिनिस्टर, आप उसको एडमिनिस्टर भी कर सकते हो अपने हिसाब से, बट ध्यान रखना अकॉर्डिंग विद द लॉ. दिस इज आर्टिकल नंबर 26. तो ध्यान रखना, 26 सेज फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, मतलब अपने रिलीजियस अफेयर्स को किस तरह भी मैनेज कर सकते हो. अब देखो, बेसिक डिफरेंस आर्टिकल 25 और 26 में क्या है.
25 इनर फ्रीडम की बात कर रहा था, मतलब देखा है तो राइट ऑफ इंडिविजुअल्स थे कि इंडिविजुअल्स क्या कर सकते हैं, जैसे भगवान के साथ इनर रिलेशन हो सकता है, बिलीफ को प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्रोफेस कर सकते हैं, ट्रांसमिट कर सकते हैं, तो ये सब कौन कर रहा था, इंडिविजुअल अंदर, मैं वर्ड उसमें बार बार यूज हो रहा है। जबकि जो 26 आर्टिकल है ये क्या यूज कर, राइट होल एज अ रिलीजन की बात कर रहा है। कैसी बात कर रहा है, राइट एज अ होल एज अ रिलीजन, ध्यान रखना, जबकि वो सिर्फ इंडिविजुअल है, ये होल एज अ रिलीजन है। नेक्स्ट विल मूव टू नेक्स्ट आर्टिकल 27। आपको ये पता भी होगा कि आपका फ्रीडम है फ्रॉम टैक्सेशन, ठीक है, अगर आप कोई भी रिलीजन प्रमोट करते हो, फॉर द प्रमोशन ऑफ रिलीजन यू डोंट हैव टू पे टैक्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो ध्यान रखना आपको फ्रीडम है, आप टैक्स पे ना करें, बट ध्यान रखना ये ओनली टैक्सेस के लिए है, फीस के लिए नहीं है, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, फीस आपसे ली जा सकती है, हाँ टैक्स नहीं लिया जाएगा रिलीजियस अफेयर्स में। नेक्स्ट विल मूव टू आर्टिकल नंबर 28। व्हाट 28 सेज, फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस, ठीक है, मतलब जैसे मान लो कहीं इंस्टीट्यूशंस होंगी, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस वगैरह होती हैं जहाँ पे कुछ रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं कि यही आपको बोलना है फॉर एग्जांपल, और आप नहीं बोलना चाहते, तो यहाँ पर फ्रीडम है किस चीज़ का है कि आप रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस को नहीं प्रपोगेट करेंगे किसी ऐसे इंस्टीट्यूट्स में, इसका मतलब क्या है, देखिए बहुत सिंपल तरीके से मैंने एक्सप्लेन कर रखा है। देखिए जैसे कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, आप रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस देते हैं, ठीक है, लेकिन अगर वो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस गवर्नमेंट द्वारा बनाया गया होगा, मतलब स्टेट के फंड के द्वारा बनाया गया होगा, तो आप वहां पर कोई भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस नहीं दे सकते, ठीक है, आपको ये रिलीजियस जो इंस्ट्रक्शंस होंगे वहां पर आप अलाउड नहीं है आपको देना। अब देखिए एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस जो हैं, ठीक है, वो चार टाइप के यहां पर अपन डील करते हैं। पहला है जो टोटली स्टेट के अंदर है, होली मेंटेन बाय स्टेट, पूरा स्टेट के अंदर मेंटेन है। सेकंड है जो एडमिनिस्ट्रेट बाय स्टेट है बट एस्टैब्लिश बाय हूम, बाय ट्रस्ट, रिमेंबर। थर्ड को सकता है जो रिकॉग्नाइज बाय स्टेट है, मतलब उसको स्टेट ने रिकॉग्निशन दे रखा है। और फोर्थ जो है रिसीविंग एड फ्रॉम स्टेट, उसको स्टेट क्या दे रहा है, एड दे रहा है। तो ये चारों ही केस में आप देख लीजिए, पहला जो था होली मेंटेन बाय स्टेट, इसमें कोई भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस नहीं जाएंगे, इसमें मैंने क्रॉस का साइन लगाया, कोई भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस नहीं दिए जाएंगे। सेकंड वाला जो एडमिनिस्टर बाय स्टेट है बट एस्टैब्लिश अंडर ट्रस्ट है, इसमें रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस दिए जा सकते हैं, ठीक है, इसमें रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस, इसलिए राइट का टिक लगा हुआ है कि रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस दिए जाएंगे। थर्ड जो है, और थर्ड और फोर्थ दोनों में पार्शियली रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस दिए जा सकते हैं, कंप्लीटली नहीं बट पार्शियली, यस सर्टेन रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस कैन बी गिवन, तो ध्यान रखिएगा थर्ड और फोर्थ वाले में। चलिए हम आगे मूव करते हैं, नेक्स्ट जो हमारी फंडामेंटल राइट है वो है फिफ्थ। तो हमने 25 से 28 डील कर ली फ्रीडम ऑफ रिलीजन, अब हम डील करते हैं आगे, तो जो 29 और 30 दैट इज फिफ्थ फंडामेंटल राइट, वो है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, ठीक है, कौन कौन से आर्टिकल आते हैं 29 एंड 30, तो हम दो आर्टिकल डिस्कस करेंगे 29 और 30। जैसे कि वो राइट जो थी वो सिटीजंस और फॉरनर्स दोनों को थी, फ्रीडम ऑफ रिलीजन जो भी ये डिस्कस किया था, ये सिर्फ इंडियन सिटीजंस को है, तो याद रखना ओनली गिवन टू इंडियन सिटीजंस। तो लेट्स स्टार्ट, सबसे पहले डील करते हैं आर्टिकल नंबर 29। व्हाट आर्टिकल नंबर 29 सेज, इट सेज प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, मतलब क्या है, प्रोटेक्शन है इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज को, ठीक है। अब इसमें मैंने दो पॉइंट लिख रखे हैं, इसका मतलब क्या है, सिटीजन रिसाइडिंग इन इंडिया, मतलब किसी भी पार्ट में इंडिया में रिसाइड करते रहते हैं, ठीक है, उनका डिस्टिंक्ट लैंग्वेज होगी, लैंग्वेज अलग होगी, स्क्रिप्ट अलग होगी, कल्चर अलग होगी, वो चाहे इन चारों जो मैंने चीजें बोली आपको, लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर, उसको कंजर्व कर सकते हैं, ठीक है, तो उनको ये राइट दिया गया, दे हैव राइट टू व्हाट, कंजर्व, याद रखना। दूसरा पॉइंट प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज में क्या है, कि नो सिटीजंस डिनाइड एडमिशन एनी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, ठीक है, उनको डिनाई नहीं किया जाएगा किसी भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में, मेंटेन्ड बाय स्टेट, जो स्टेट क्या कर रहा है, मेंटेन कर रहा है, ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट एंड लैंग्वेज, रिमेंबर ये चार ग्राउंड्स दिए गए हैं इसमें, ठीक है। तो एक तरीके से देखा जाए ए और बी में अगर डिफरेंस देखे, तो ए बात कर रहा है राइट ऑफ द ग्रुप, क्योंकि देखो वहां पर सिटीजन डिसाइडिंग इन इंडिया, कल्चर, लैंग्वेज, एक ग्रुप की बात हो रही, ग्रुप की एक लैंग्वेज होगी, जबकि यहां पर देखा जाए तो राइट ऑफ क्या मिल रहा है अपन को, इंडिविजुअल्स मिल रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इंडिविजुअल को आप डिनाई नहीं कर सकते, तो थोड़ा डिफरेंस याद रखिए, राइट ऑफ ग्रुप है, राइट ऑफ
इंडिविजुअल है। नेक्स्ट पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि माइनॉरिटीज कितने टाइप की हैं। ध्यान रखना दो टाइप की होती हैं प्रोटेक्शन जो मिल रहा है यहाँ पर माइनॉरिटीज को, एक रिलीजियस माइनॉरिटीज को, दूसरा लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज को, ठीक है, दोनों को ही प्रोटेक्शन मिलता है इसमें। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में क्या बोला, अब सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रेट किया, देखिए लिखा तो इसमें है प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, बट सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रेट करके क्या बोला, सुप्रीम कोर्ट सेड दिस राइट इज नॉट ओनली रिस्ट्रिक्टेड टू माइनॉरिटीज बट मेजॉरिटीज ऑल्सो। तो ये राइट जो है, जो लिखी है, जैसे लगती है माइनॉरिटीज के लिए सिर्फ है, बट इट इज नॉट ओनली फॉर माइनॉरिटीज, रिमेंबर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो आज का आर्टिकल है हमारा, आर्टिकल नंबर 30, इसको डील करते हैं। व्हाट 30 सेज, राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर, एस्टैब्लिश भी कर सकते हो, एडमिनिस्टर भी कर सकते हो, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। और ये स्पेशली जो राइट है माइनॉरिटीज के लिए, ध्यान रखना किसके लिए है, माइनॉरिटीज के लिए। तो कैसे उनको ये भाई एस्टैब्लिश करने का उनके पास एक अलग सा राइट दिया गया, डील करते हैं इसको। पहला, जितनी भी माइनॉरिटीज हैं, ऑल माइनॉरिटीज हैव राइट टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। अपने हिसाब से वो एस्टैब्लिश भी कर सकते हैं, एडमिनिस्टर भी कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू देयर चॉइस, रिमेंबर, ठीक है। सेकेंड पॉइंट आते हैं, लेट अस सपोज आपने किसी माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को क्या किया है, कैप्चर किया है, कैप्चर मतलब एक्वायर किया है, मान लो वहां पर कुछ और प्रोजेक्ट बनाने वाली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो उन्होंने क्या किया, एक ब्लॉक जो होता है उसको एक्वायर किया। अब ब्लॉक एक्वायर करोगे, उनका कोई एरिया एक्वायर करोगे, तो क्या कहेंगे, भाई तुमने एक्वायर किया है तो तुम्हें कुछ कंपनसेशन देना पड़ेगा, ठीक है। तो आपने उनको जो कंपनसेशन दिया, ठीक है, तो कंपनसेशन तो आपको देना ही पड़ेगा। एक बात ध्यान रखना, जो कंपनसेशन आपने फिक्स किया है गवर्नमेंट ने, टू एक्वायर व्हाट, प्रॉपर्टी ऑफ माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूट, आपने जो प्रॉपर्टी एक्वायर की है वो किसी माइनॉरिटी के एजुकेशन इंस्टीट्यूट की थी। आप एक्वायर कर सकते हो, ऑफ कोर्स इन अ नेम ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट आप कर सकते हो, बट ध्यान रखना कंपनसेशन देने से उनकी जो, ध्यान रखना जो राइट्स होती हैं वो खत्म नहीं होंगी, जो उनको राइट्स हैं वो तब भी रहेंगी। ऑफ कोर्स कंपनसेशन से उनको एक फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगा, इसलिए मैंने लिखा हुआ है कंपनसेशन जो अमाउंट है शैल नॉट रिस्ट्रिक्ट द राइट्स ऑफ देम, मतलब उनकी जो राइट्स हैं, जो माइनॉरिटीज की राइट्स होती है, कंपनसेशन देने से खत्म नहीं हो जाती, ठीक है, बट उनके पास कंपनसेशन आपको देना पड़ेगा। जो नेक्स्ट है, मान लो आपने एड दिया, गवर्नमेंट ने एड देती है किसी भी माइनॉरिटीज एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को, एड मतलब कुछ ना कुछ मनी का सपोर्ट दिया फॉर एग्जाम्पल, तो ध्यान रखना, तो जिसको भी आप एड दोगे, तो पहली बात आप डिस्क्रिमिनेट नहीं करोगे किसी भी माइनॉरिटीज को, ठीक है, कि आप कभी भी एड दे रहे हो, यू शुड नॉट डिस्क्रिमिनेट, स्टेट डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगी बाय स्टेट फॉर माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, यू विल नॉट डिस्क्रिमिनेट, याद रखना। और लास्ट जो पॉइंट है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूट तीन टाइप की है जो मैंने लिख रखी है, आप इनको बहुत ध्यान से देखिए। पहली जो है वो है रिकॉग्निशन बाय स्टेट, स्टेट ने रिकॉग्नाइज भी कर रखा है, प्लस स्टेट उनको मनी भी दे रही है, पैसा भी दे रही है, ठीक है। सेकेंड, रिकॉग्निशन बाय स्टेट, बट स्टेट उनको मनी नहीं दे रही है उन एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को। थर्ड जो है, नाइदर रिकॉग्नाइज बाय स्टेट, नाइदर मनी मतलब पैसा भी नहीं है और रिकॉग्नाइज भी नहीं कर रखा है। ये तीन टाइप की माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूट होती हैं। जो फर्स्ट टाइप है, रिमेंबर फर्स्ट और सेकेंड जो मैंने बताया, ठीक है, इसको गवर्नमेंट जो है आपकी, ध्यान रखना जो गवर्नमेंट है वो एडमिनिस्टर करेगी, कहने मतलब उसका स्टाफ हो गया, उसका रिक्रूटमेंट मेथड हो गया, ये सब कौन देखेगा, गवर्नमेंट देखेगी। जबकि जो थर्ड वाली है जिसमें ना ही स्टेट ने रिकॉग्नाइज कर रखा है, ना ही स्टेट ने क्या दे रखा है, मनी दे रखा है, इसको ध्यान रखना गवर्नमेंट की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं रहेगा, गवर्नमेंट विल नॉट एडमिनिस्टर आल्सो। तो ध्यान रखना पहले दूसरे वाले को गवर्नमेंट एडमिनिस्टर करती है, बट ध्यान रखना एडमिनिस्टर करने का मतलब यह नहीं कि आप उनकी ऑटोनॉमी वगैरह पे हार्म करें, उनके माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस को खत्म कर दें, ध्यान रखना, बट स्टिल गवर्नमेंट विल एडमिनिस्टर, ठीक है। यहां आर्टिकल नंबर 30 अपना कंप्लीट होता है, मतलब हमारी जो फंडामेंटल राइट्स है वो पांच कंप्लीट हो गई है, ठीक है। अब जो अगला वीडियो आएगा उसमें पूरा कंप्लीट चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा फंडामेंटल राइट्स का, ठीक है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है आप इसको लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। अगर आपको नोट्स चाहिए हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।